हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम प्लैटिनम को बाय कर सकते हैं, टिंडर प्लैटिनम को हम लोग कैसे बाय कर सकते हैं। तो पहले आपको टिंडर ऐप ओपन कर लेना है। टिंडर ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, गेट टिंडर प्लस। तो प्लैटिनम और टिंडर प्लस भी आपको देखने को मिल जाएगा, टिंडर गोल्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तीन तरह का ऑप्शन है यहाँ पे, टिंडर प्लस, टिंडर गोल्ड और टिंडर प्लैटिनम, तीन तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी बाय करना है सेम प्रोसेस है बाय करने का, बट मैं आपको अभी टिंडर गोल्ड और टिंडर प्लैटिनम बाय करके बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या होगा कि जैसे कि आप देखो, अभी आप मान लो कि जैसे आप टिंडर ऐप खोलते हो तो आपको अपने प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे कैसे जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल पे जाने के लिए आपको यहाँ पे टच करना है। प्रोफाइल पे यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा टिंडर गोल्ड, टिंडर प्लैटिनम, टिंडर प्लस, इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, टिंडर प्लैटिनम को टच कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्लान कितने कितने के हैं। एक महीना का जो प्लान है वो 1050 रुपीज़ का है पर मंथ का, और सिक्स मंथ का जो प्लान है वो 666 रुपीज़ का है। पर यहाँ पे लोग समझते हैं कि छः महीने के लिए बस 666 रुपीज़ ही देना होगा, पर ऐसा नहीं है। आपको हर मंथ के हिसाब से 666 रुपीज़ का पे करना होगा, यानी छः महीने का आपको देना पड़ेगा 6 × 666 और 12 महीने का 12 × 516 रुपये आपको इस तरह करके आपको देना पड़ेगा। वैसे तो मुझे इस ऐप की कोई यूज़ है नहीं, पर मैं आपको बाय करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चले कैसे बाय होता है। और ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे हमारा चैनल है सुमित सिंह राठौर के नाम से, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकॉन को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे वन मंथ के कॉलम को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब करना क्या, जब भी आप यहाँ पे आप करते क्या होगा, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें दे के जब बाय नाउ पे करते होगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाता होगा कि प्रॉब्लम एरर वगैरह दिखाता होगा। तो कैसे बाय करना है मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या होगा, बाय विद गूगल प्ले स्ट्रीट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या करिएगा, आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टिंडर प्लैटिनम, मास्टर कार्ड, ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ जहाँ मास्टर कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ और भी लिखा हो। तो आपको यहाँ करना क्या है कि यहाँ पे आपको मास्टर कार्ड जहाँ पे आपका जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे टच कर देना है। आपका हो सकता है कुछ और भी हो वहाँ पे। आपको फिर पेमेंट मेथड का पूरा इस तरह का कॉलम आपके आगे खुल जाएगा। आपको करना क्या, रिडम कोड पे आपको जाकर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे ऐड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपने करके देखा होगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो अब मैंने सारा डिटेल्स यहाँ पे भर दिया। अब मैं जब सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे कार्ड ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से यहाँ पे आपका वेरीफाई CVV का ऑप्शन मांगेगा। तो आपको यहाँ पे अपना CVV टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना CVV टाइप कर दिया, CVC टाइप करके यहाँ पे मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरर दिख रहा होगा। बहुत लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलता है। तो क्या ऑप्शन है इसको बाय करने का, कैसे बाय कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो आपको बैक पेज पर वापस से आ जाना है। अब यहाँ पर आपको फिर बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे फिर मास्टर कार्ड पे क्लिक कर दो, आपको जो भी ऑप्शन है आप वहाँ पे वो क्लिक कर देना। अभी आपको कुछ इस तरह का पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रिडम कोड पे क्लिक कर देना है। रिडम कोड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रिडम गिफ्ट कार्ड और प्रोमो कोड ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वो करना क्या होगा कि आपको पहले रिडम कार्ड बाय करना होगा और यहाँ पे वो जो कोड है यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो कैसे मैं रिडम कार्ड बाय करता हूँ मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मान लो आपके पास फ़ोन पे है तो फ़ोन पे से भी आप बाय कर सकते हैं, पेटीएम से भी बाय कर सकते हैं, आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। करना क्या है आपको, बस आपको जैसे मान लीजिए आपके पास पेटीएम है तो आप पेटीएम को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप गूगल प्ले रिचार्ज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। कौन सा अमाउंट इंटर करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ से आपको टिंडर पे वापस आना है। आप यहाँ पे वापस आके चेक करना कितने रुपीज़ का आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1050 रुपये आपको पेमेंट करना है स्टार्टिंग टुडे। यहाँ पे 1050 रुपये आपका बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1050 रुपीज़, यहाँ पे आपको इतने रुपये का यहाँ पे आपको मतलब जो गूगल प्ले रिचार्ज कोड है ख़रीदना है। जैसे कि आपको यहाँ पे टाइप करना होगा 1050, आपको ये टाइप करना होगा। अब यहाँ पे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो
आप जैसे प्रोसीड के बटन पे, तो जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी मैं 10 रुपये का ही रिचार्ज कोड खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है इस ऐप की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको अमाउंट देखना पड़ेगा 1050 रुपीज़ का जो भी है आपको यहाँ पे उस उतना बाय करना होगा। मैंने यहाँ 10 रुपीज़ का बाय करके आपको दिखा देता हूँ। प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, अब आपको पता ही है कैसे पे करते हैं, तो मैं पे करके आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर समरी आपके आगे आ जाएगा और उसमें आपको कोड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग में है और आप देख सकते हैं मैसेज के रूप में मुझे यहाँ पे आ चुका है 10 रुपये का कोड। ये कोड जो है रिडम कोड जो है मुझे वही वहाँ पर चिपकाना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कोड मिल चुका होगा। हाँ यहाँ पर देखिए, योर रिचार्ज कोड इज़ 1YNY करके जो भी है। अब यहाँ पे आपको मैसेज में भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आपको मान लीजिए मैसेज से आप कॉपी करो या फिर यहाँ से करो, कहीं से भी कॉपी करो। तो हाँ यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, तो मैं मैसेज से जाके कॉपी कर लेता हूँ। मैसेज में आपको आना है और उसके बाद आपको ये जो कोड है यहाँ पे यही कॉपी करना है। तो मैं इसे कॉपी करके आपको बताता हूँ। तो आपको ये कोड निकालना है, समझे आप? आपको ये कोड जो है, आपको ये कोड का ही ज़रूरत है। आपको यहाँ पे वो कोड ही आपको डालना होगा। आप मान लो यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ का किया है, आपको अगर वो टिंडर प्लेटिनम बाय करना है तो आपको यहाँ पे 1050 रुपीज़ का कोड वहाँ पे चिपकाना होगा। मैंने 10 रुपीज़ का बाय किया हुआ है। अब मान लो ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी यहाँ से कर लिया। अब कॉपी यहाँ से करने के बाद मैं यहाँ पे टिंडर पे वापस जाऊँगा। यहाँ पे फिर मैं पे बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मास्टर कार्ड जैसे मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे अब रिडम कोड पे क्लिक करूँगा। रिडम कोड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर कोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैंने जो जैसे कि आप मैंने यहाँ 10 रुपीज़ का बाय किया था, तो मैं यहाँ पे वो यहाँ पे डायल दिया यहाँ पे कोड। फिर यहाँ पे मैंने रिडम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यू आर अबाउट टू ऐड 10 रुपीज़। अब मैंने 10 रुपीज़ का ही किया है, तो मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ ऐड करने के लिए मैंने 10 रुपीज़ का जैसे ही रिडम कोड यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 10 रुपीज़। अब मैंने यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ इज़ एडेड, 10 रुपीज़ ऐड हो, 10 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको वो करना क्या है, बाय करने के लिए आपको वहाँ पर 1050 रुपये का बाय करना है। मैंने 10 रुपीज़ का किया इसीलिए नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे 1050 रुपये का वहाँ से कोड लेकर यहाँ पे टाइप करोगे तो आपका यहाँ पे जो ये है सब्सक्रिप्शन पेमेंट मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और या फिर आप टिंडर प्लैटिनम जो है वो आप यहाँ पे सक्सेसफुली बाय कर लोगे और टिंडर प्लैटिनम का जो भी आपको यहाँ पे सुविधा मिलती है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई या फिर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आई डी पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे अबाउट सेक्शन जाकर देख सकते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इंस्टाग्राम आई डी है मेरा सुमित सिंह राठौर। आप जाकर सर्च कर सकते हैं और मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।